नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पर और यहाँ की तस्वीरों में आपको दिखा दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से आज राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। उससे पहले की तस्वीरें जहाँ देखिए कि किस तरह से जेपी गोलंबर के पास में बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव जो है आज जमीन माफियाओं और जो भी भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी बिहार में जो बढ़ा हुआ है उसके खिलाफ आज राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ पप्पू यादव का कहना है कि आखिरकार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहारी ही क्यों हैं, आखिरकार अगर बिहार में को विशेष राज्य दर्जा जो है आज तक ही क्यों नहीं मिला। बिहार में जमीन शराब बालू माफिया, शिक्षा माफिया का संरक्षक आखिर कौन दे रहा है? भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास जो है अचूक संपत्ति है, आखिर कहाँ से है? क्यों नहीं अब तक की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? आखिरकार क्यों नहीं सरकार उस ओर ध्यान दे रही है? यही नहीं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ये भी कहना है कि महिलाओं की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर पेच कहाँ पर फंसा हुआ है? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है आज राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ देखिए कितने संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और साथ ही साथ जो है मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे तैनात पहुँच चुके हैं। यानी कि पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ से आगे पप्पू यादव का जो हुजूम है वो आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए महिला सिपाही जो हैं वो बैरिकेडिंग लगा रही हैं ताकि इसके आगे जाप के जितने भी नेता हैं यानी पूर्व सांसद पप्पू यादव को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और उन्हें रोकने के लिए यह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वाटर कैनन का यहां पे गाड़ी है, साथ ही साथ जितने भी पुलिस बल हैं वो यहां पे लगाए गए हैं ताकि जो राजभवन मार्च है वो राजभवन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हालांकि समय जो है वो 11 बजे के ही टाइमिंग था कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राजभवन मार्च निकालेंगे। हालांकि अभी जो है कुछ इस तरह का हलचल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पटना के सुभाष चंद्र बोस यानी कि गांधी मैदान से जो है ये राजभवन मार्च निकाला जाएगा और ये राजभवन तक के पहुँच जाएगा। इसी बीच उन्हें रोकने के लिए जो है यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। हालांकि इससे यातायात भी थोड़ा बाधित हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में भी परेशानियाँ हो रही है। लेकिन बिहार में इन दिनों अगर देखा जाए तो राजधानी पटना खास करके प्रदर्शनकारी स्थल बना हुआ है और अगर बात करें प्रदर्शन की और प्रदर्शन का तो बीते दिन चिराग पासवान भी जो है प्रदर्शन किए थे, राजभवन मार्च वो भी किए थे। लेकिन अब इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यानी पूर्व सांसद हैं वो उनके द्वारा जो है आज राजभवन मार्च निकाला जा रहा है और ये इसका जो है गांधी मैदान से लेकर के राजभवन तक के जाएगी। लेकिन इसी बीच में उन्हें रोकने के लिए जो है वो पुलिस बल जो है वो बैरिकेडिंग लगा रहे हैं ताकि इससे आगे पप्पू यादव नहीं पहुंच पाए। देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से पप्पू यादव राजभवन मार्च निकाल रहे हैं क्या वो राजभवन तक पहुंच पाएंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।